स्वागत है आपका हमारे किचन में। तो आज मैं गन्ने के रस से खीर बनाने जा रही हूँ, और इसे गन्ने का जूस भी बोलते हैं, जो हमारे यहाँ छठ पूजा में बनाई जाती है और अदरवाइज वैसे भी बनाई जाती है, आप खाने के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। ओके, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमारे आज के इंग्रेडिएंट्स हैं गन्ने के रस, जिसे हम गन्ने का जूस भी बोलते हैं, और हमने एक कटोरी हाफ कटोरी चावल लिए, लगभग हाफ से थोड़ी ज़्यादा है, और ये गन्ने के रस जो हैं हमारे 4 ग्लास हैं, 4.5 ग्लास हमने लिया है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकती हैं। तो इस गन्ने के रस को हम किसी पतले कपड़े से छान लेते हैं, मैंने अपने हैंकी का यूज किया है, और आप किसी दुपट्टे या किसी पतले कपड़े से इसे छान सकती हैं। इस तरह हम सारे गन्ने के जूस को छान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे उबालते हैं, और जब इसमें उबाल आने लगे तो इसकी गंदगी को धीरे धीरे करके हम निकाल लेते हैं। तो हम वेट करते हैं जब तक ये उबलता है। दोस्तों, इसमें उबाल आने लगा है और इसकी गंदगी को देखिए, मैं धीरे धीरे करके सारे निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर ये इसमें छूट जाता है तो फिर आपके जो खीर बनेंगे वो थोड़े से काले काले जैसे दिखेंगे। तो कोशिश यही रहती है कि इस गंदगी को हम पूरी तरह निकाल लें, तो देखने में खीर हमारा साफ लगता है। तो देखने में अगर अच्छा लगता है तो नेचुरली खाने का भी मूड बनता है। तो देखिए, इसमें पूरी तरह उबाल आ चुकी है और ये इसकी गंदगी जो है सारे किनारों पे आ गई है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और अब जो हमने चावल धो कर रखे हैं पानी से निकाल कर, हमने पानी सुखा लिया है चावल का, तो अब इसमें मैं वो चावल डालती हूँ। ये चावल हमने पहले से ही धो कर पानी सुखा लिए हैं, और अब मैं इसमें चावल को धीरे धीरे करके डालती हूँ। तो अब हम इसमें चावल मैं डाल दी हूँ, और अब ये धीरे धीरे पकेगा, तब 5 मिनट के बाद मैं इसे देखती हूँ, तब तक मैं इसे ढक देती हूँ। तक मैं इस बर्तन से इसे ढक देती हूँ और 5 मिनट के बाद फिर मैं इसे देखती हूँ। तो दोस्तों, अब ये आधी पक चुकी है, इसे हम 5 मिनट के बाद फिर देखते हैं। टोटल इसमें बनने का समय 7 से 10 मिनट लग जाते हैं, इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। तो अभी हमारा गन्ने के रस का खीर बिल्कुल तैयार है, और ये देखिए, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह पक चुका है। तो अब हम गैस को बंद करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं, ताकि इसमें अगर हम दूध गर्म मिक्स करते हैं तो ये दूध फटने के चांसेस होते हैं। और मेरे खीर की दोस्तों खासियत ये है कि मैं इसमें दूध ऐड करती हूँ, और ये सिर्फ गन्ने के रस का ही बना हुआ है, हमने और इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की है, कोई भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड नहीं किया, गन्ने का रस एंड चावल बस। तो इसमें आप जब भी खाएं इसे ठंडा खाएं और दूध मिक्स करके खाएं, ये आपको बहुत ही यमी लगेंगे, और ये हमारे यहाँ छठ पूजा में खरना में प्रसाद के रूप में खाया जाता है, अदरवाइज आप ऐसे भी बना सकती हैं इसे। तो दोस्तों, ये आपको ऐसा बन जाएगा, और अब इसमें मैं थोड़ा दूध डालती हूँ, जो कि मेरा सीक्रेट है। आप जब भी बनाएं इसमें, जब भी आपका खीर तैयार हो जाए तो इसमें गरम दूध ज़रूर मिक्स करें, ताकि इसके स्वाद में कुछ अच्छा सा स्वाद आ जाए आपका, और इसका स्वाद बढ़ जाए। तो चलिए, हमने ये दूध को मिक्स किया, मैं थोड़ा और दूध डालती हूँ। मैं ये दूध मिक्स कर दी, और अब ये पूरी तरह तैयार है। तो चलिए देखते हैं। तो
दोस्तों, आपके ही गन्ने का रस का खीर बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए रेडी है। आप इसका स्वाद ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई है तो आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।